तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 1 कप मूंग दाल और 2 कप गेहूं के आटे से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 1 कप मूंग दाल लिया था, उसको भिगो दिया है 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं फूल चुका है। हमने ठंडे पानी से इसको भिगोया था, इसलिए 6 घंटे के लिए भिगोया था। अगर आप गर्म पानी से भिगो रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए भिगोइएगा। 2 से 3 घंटे काफ़ी है। अब एक लेंगे बड़ा सा परात, उसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं के आटे को और 1/4 कप अजवाइन, कस्तूरी मेथी, कलौंजी और जीरा। सबको ऐसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे। सबको हमने 1/4 कप लिया था और फिर 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लेके इसको ऐसे घुमा के इसमें डाल देंगे, मतलब फैला के डाल देंगे। और फिर जो दाल हमने मूंग दाल को छान के रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे और सबको डाल के ऐसे मिक्स करेंगे। इसको हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले मिक्स करके फिर मूंग दाल डाल सकते हैं। मैंने सबको एक साथ डाल के ही मिक्स किया है। ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। और इसको 2-3 मिनट तक हमें मिक्स करना है हल्के हाथों से। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे जिससे कि जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो सब मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और हम लेंगे 1/2 कप पानी। पानी हमने ठंडा पानी लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका डो तैयार करेंगे। एक बार में पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका हार्ड डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो हम डो तैयार करेंगे वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, टाइट ही डो तैयार करेंगे। और इसको ढक के 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। फिर 1/2 घंटे के बाद इसमें 2-3 चम्मच ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ऐसे लोइया निकाल लेंगे। छोटे छोटे से पेड़े के शेप में हमने लोइया निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने लोइया निकाल लिया है। हम लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इस लोइया जो निकाला है हमने उसको शेप दे देंगे। इस तरीके से पूरी के शेप में हमने इसको बेल लिया है। इसको हमें पतला बेलना है, इसको मोटा नहीं बेलना है। हम इसे जितना ही पतला बेलेंगे उतना ही ये क्रिस्पी तैयार होगा। इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। सब जितने हमने लोइयाँ निकाले थे सबको ऐसे ही बेल के और किसी प्लेट में रख देंगे। इस तरीके से हमने सबको बेल लिया है और इसको किसी प्लेट में निकाल देते हैं, सॉरी रख देते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से इतना पतला हमने इसको बेला है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर कढ़ाई चढ़ा के हमने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। अब इसको हमने इसमें डाल के हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे हमने इसको तेल गर्म किया था। अब इसको डालने के बाद हम अपना फ्लेम मीडियम कर देंगे और एक तरफ से जब पक जाए तो फिर दूसरी तरफ से पलट के इसको पकाएंगे। इसे हमें गोल्डन होने तक पकाना है। गोल्डन होने तक हम इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से चला इसको अलटते पलटते हुए उसको गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। और फिर इसको हम किसी बड़े छन्नी में इसको निकाल लेंगे। इसको हम इसमें से जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और इस तरीके से हम इसको निकाल के और फिर हम किसी प्लेट या बाउल में डाल देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने किसी बड़े छन्नी में निकाल लिया है। अब इसमें से जब एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए तो फिर इसको हम किसी प्लेट में या डाल देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी तैयार हुआ है ये और टेस्टी भी काफ़ी तैयार हुआ है। इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें।